वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम में अपन ने लास्ट लेक्चर में कहां तक डिस्कस कर लिया था, तो स्केलेटल सिस्टम में अपन ने लास्ट लेक्चर में जो अपन ने डिस्कस किया था वो पॉइंट्स अपने थे डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड टिश्यू, जो बोन टिश्यू है उनके डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया था, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन के जो स्टेजेज हैं डेवलपमेंट की उनके बारे में डिस्कस किया था, डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग बोन इनके बारे में क्या अपन ने डिस्कस किया था। तो जो नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार अपन क्या है, जो अपना प्रीवियस लेक्चर है, पहले का जो लेक्चर है प्रीवियस लेक्चर के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, देन आफ्टर अपन क्या है अपना जो आज का टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। पॉइंट कब क्या है अपना, डेवलपमेंट ऑफ बोन टिश्यू। दिस बींग बिफोर बर्थ एंड इज नॉट कंप्लीट अंटिल अबाउट द एज 20 ईयर ऑफ लाइफ। ये कब से स्टार्ट होती है, जन्म से पहले से स्टार्ट होती है और कब तक चलती है अपनी, जब एम्ब्रियो बनता है वहां से लेके और जो अपनी एज है 21 ईयर की जो एज है वहां तक की जो स्टेज है उस एज तक क्या है अपन ग्रोथ करते हैं, वही क्या होती है अपने बोन और टिश्यू की क्या है ग्रोथ होती है। लॉन्ग शॉर्ट एंड इरेगुलर बोन डेवलप फ्रॉम रोड ऑफ कार्टिलेज मॉडल। तो लॉन्ग बोन है, शॉर्ट बोन है और इरेगुलर बोन है, वो कैसे डेवलप होती है, रोड कार्टिलेज से डेवलप होती है। और इसका जो डेवलपमेंट का जो मॉडल है वो कौन सा होता है अपना, कार्टिलेज मॉडल क्या है इसका मॉडल होता है बोन के डेवलपमेंट का। नेक्स्ट अपना है फ्लैट बोन डेवलप फ्रॉम मेम्ब्रेन मॉडल। जो फ्लैट बोन है वो कौन से मॉडल से डेवलप होती है, मेम्ब्रेन मॉडल से डेवलप होती है। और जो सिस्मोइड बोन है वो कौन से मॉडल से होती है, टेंडन मॉडल से। और जो बोन के जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो कितनी प्रोसेस में कंप्लीट होता है, दो प्रोसेस के अंदर क्या है वो कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले क्या है अपना डेवलपमेंट ऑफ बोन टिश्यू। डेवलपमेंट ऑफ बोन टिश्यू का मीन्स क्या है, जो अपनी बोन और टिश्यू है वो क्या है डेवलप कब से स्टार्ट होती है होना और कब तक होती है। तो अपनी जो जन्म है, जो अब एम्ब्रियो जब बनता है वहीं से क्या अपनी जो बोन है उनकी क्या है ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है, जन्म से पहले ही क्या अपनी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है बोन की। और कब तक होती है, जब तक अपनी एज जो है वो कहाँ तक नहीं पहुँचे हैं अपन 20 ईयर जो है अपनी लाइफ के वो जब तक अपन कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक क्या है अपनी जो बोन की जो ग्रोथ है वो क्या है स्टार्ट रहती है। तो अपन ने बोन के टाइप पढ़े थे, उस टाइम पे अपन ने पढ़ा था लॉन्ग बोन है, शॉर्ट बोन है, इरेगुलर बोन है, फ्लैट बोन है, सिस्मोइड बोन है, ये क्या है बोन के टाइप्स होते हैं। तो जो लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन और इरेगुलर बोन है वो डेवलप जब होती हैं तो कौन से मॉडल से होती हैं, वो कार्टिलेज मॉडल से होती हैं, रोड कार्टिलेज से होती हैं। और इनका जो मॉडल होता है वो कौन सा होता है, कार्टिलेज मॉडल के इनका मॉडल होता है। नेक्स्ट क्या है अपना फ्लैट बोन जो है, फ्लैट बोन जब डेवलप होती है तो उसका मॉडल कौन सा होता है, मेम्ब्रेन मॉडल से क्या है वो डेवलप होती है। सिस्मोइड बोन अगर डेवलप होती है तो उसका मॉडल कौन सा होता है, टेंडन मॉडल होता है। तो मॉडल कितने होते हैं, तीन मॉडल होते हैं, कौन से, कार्टिलेज मॉडल हो गया, मेम्ब्रेन मॉडल हो गया और टेंडन मॉडल हो गया। कार्टिलेज मॉडल जो है वो किस टाइप की बोन को ग्रोथ कराता है, डेवलपमेंट कराता है, लॉन्ग बोन को कराता है, शॉर्ट बोन को कराता है और इरेगुलर बोन को कराता है। जो अपना मेम्ब्रेन मॉडल है वो कौन सी बोन को कराता है, फ्लैट बोन को डेवलप कराता है। और जो टेंडन मॉडल है वो किसको कराता है, सिस्मोइड बोन की डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है। और जो बोन के डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो कितनी प्रोसेस होती है, बोन के डेवलपमेंट की दो प्रोसेस होती है, उन दो प्रोसेस से क्या है बोन की डेवलपमेंट होता है। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए लॉन्ग बोन, ये क्या है फिटल डेवलपमेंट है। फिटल डेवलपमेंट में क्या है, एक फिटल डेवलपमेंट में रोड कार्टिलेज है, ये क्या है प्राइमरी सेंटर है किसका, ऑसिफिकेशन का, ये क्या है बोनी कॉलर दिखाई गई इसमें, और ये क्या है दो डायफाइसिस हैं, ये क्या है फिटल का डेवलपमेंट होता है। तो फिटल का डेवलपमेंट क्या हुआ, रोड कार्टिलेज,
ऑसिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेंटर, बोनी कॉलर और डाइफाइसिस, ये क्या है अपनी फिटल डेवलपमेंट हो गया। देन आफ्टर क्या होता है, फिटल डेवलपमेंट के बाद बर्थ होती है और एडल्ट एज आती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस बोलते हैं। तो जब बर्थ होती है तो क्या है, यहाँ पे क्या था, प्राइमरी सेंटर था और यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी सेंटर है किसका, ऑसिफिकेशन का इन एपिफाइसिस। यहाँ पे क्या था, डाइफाइसिस हो गया था, डाइफाइसिस के बाद क्या है अपना, एपिफाइसिस आएगा। देन आफ्टर क्या है अपना, चाइल्डहुड आता है, चाइल्डहुड में क्या है, ये हाइलैंड कार्टिलेज है, ठीक है, ये डेवलप हो गए, कॉन्क्लेस बोन डेवलप हो गई यहाँ पे अपनी, ये कॉम्पैक्ट बोन दिखाई गई है इसमें, मेडुलर कैनाल हो गई और आपकी जो एपिफिजियल कार्टिलेज हो गया, ये क्या है आपकी चाइल्डहुड और ये एडल्ट जो है, एडोलिसेंस जो आपकी एज है, वहाँ पे एडल्ट जब हुए हैं अपन उस टाइम का क्या है, ये अपना डेवलपमेंट है। तो फिटल के अंदर क्या होगा, रोड कार्टिलेज है, देन आफ्टर क्या, प्राइमरी सेंटर होगा, उसका ऑसिफिकेशन होगा, बोनिकुलर डेवलप होगी और डाइफाइसिस डेवलप होंगे। बर्थ के बाद क्या है, सेकेंडरी सेंटर होगा किसका, ऑसिफिकेशन एपिफाइसिस, देन आफ्टर क्या होगा, एडल्ट में आएंगे तो क्या होगा, हाइलैंड जो कार्टिलेज है वो डेवलप हो गए, कैनक्लेस बोन डेवलप हो गई, कॉम्पैक्ट बोन डेवलप हो गई, मेडुलर कैनाल डेवलप हो गया, पेरिस्टम डेवलप हो गया और आपकी जो एपिफिजियल जो कार्टिलेज है वो डेवलप हो गए। ये क्या है आपकी स्टेज है किसकी, डेवलपमेंट की, किसके, लॉन्ग बोन की। ये क्या है अपनी स्टेजेज हैं डेवलपमेंट की लॉन्ग बोन की। नेक्स्ट क्या है, सेरेटिनिन बाय ऑस्टियोब्लास्ट ऑफ ऑस्टोइड कोलेजन फाइबर इन ए बट पॉलीसेकेराइड मैट्रिक्स, म्यूकोपोलोसेकेराइड मैट्रिक्स विच ग्रेजुअली रिप्लेस द ओरिजिनल कार्टिलेज एंड मेम्ब्रेन मॉडल। कोलेजन फाइबर क्या करता है, कोलेजन फाइबर इन ए म्यूकोपोलोसेकेराइड मैट्रिक्स विच ग्रेजुअली रिप्लेस द ओरिजिनल कार्टिलेज एंड मेम्ब्रेन मॉडल। ये क्या होता है, इसमें जो आपका ओरिजिनल कार्टिलेज है वो क्या है, ग्रेजुअली रिप्लेस हो जाता है। कैल्सिफिकेशन ऑफ ऑस्टोइड इमीडिएटली आफ्टर इट्स डिपोजिशन। कैल्सिफिकेशन कब होता है, कैल्सिफिकेशन ऑफ ऑस्टोइड इमीडिएटली कब होगा, आफ्टर दिस डिपोजिशन। ये डिपोजिशन होने के बाद क्या है, कैल्सिफिकेशन होगा किसका, ऑस्टोइड का। देर आर टू टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कोलेजन इन ऑस्टोइड। क्या होगा, दो टाइप से क्या है अरेंजमेंट रहता है किसका, कोलेजन का, कहाँ पे, ऑस्टोइड के अंदर। कौन से हैं दो, एक आपका वोवन बोन है जो नॉन लेमर बोन बोलते हैं जिसको अपन, और एक क्या है, लेमर बोन है। दो क्या है, ऑस्टोइड जो हैं वो दो टाइप से क्या है अरेंजमेंट होते हैं, कौन से हैं, एक आपका नॉन लेमर बोन है और एक क्या है आपका लेमर बोन है। नेक्स्ट आपका क्या है, नॉन लेमर बोन। इसमें क्या होता है, कोलेजन फाइबर आर डिपॉजिट इन इरेगुलर बंडल देन ऑसोफाइड। क्या होता है, जो कोलेजन जो है वो क्या होगा, डिपॉजिट होती है किसमें, इरेगुलर बंडल में। दिस प्रिमिटिव बोन स्ट्रक्चर इज पार्ट ऑफ नॉर्मल फिटल डेवलपमेंट अकरिंग ड्यूरिंग ऑसिफिकेशन ऑफ बोन दैट ओरिजिनेट एज मेम्ब्रेन मॉडल, एग्जाम्पल स्कल बोन। इसका एग्जाम्पल क्या है, स्कल बोन क्या इसका एग्जाम्पल है। इन एडल्ट इट ऑल्सो प्रेजेंट इन बोन ट्यूमर एंड हीलिंग फ्रैक्चर। तो नॉन लेमर बोन में क्या होता है, कोलेजन फाइबर डिपॉजिट होते हैं किस में, इरेगुलर बंडल्स में, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है, ओसिफाइड होते हैं। तो प्रिमेटिव बोन स्ट्रक्चर है वो क्या है, जो पार्ट ऑफ नॉर्मल पिटल डेवलपमेंट, वो क्या है आपके नॉर्मल पिटल जो है उनके डेवलपमेंट का एक पार्ट है। डेवलपमेंट अकर ड्यूरिंग ऑसिफिकेशन, कब होता है, ऑसिफिकेशन के दौरान होता है। और बोन दैट ओरिजिनेट एज मेम्ब्रेन मॉडल, और कौन से मॉडल पे काम करता है, मेम्ब्रेन मॉडल पे क्या है काम करता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, स्कल बोन क्या है इसका एग्जाम्पल है। इन एडल्ट इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बोन ट्यूमर एंड हीलिंग फ्रैक्चर, एडल्ट में भी प्रेजेंट होता है कब, बोन ट्यूमर और हीलिंग फ्रैक्चर के अंदर क्या है ये, बोन की जो हीलिंग होती है, फ्रैक्चर की जो हीलिंग होती है उस दौरान क्या है ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्या है आपका, लेमर बोन। लेमर बोन में क्या होता है, दिस कोलेजन फाइबर आर डिपोजिट इन वोवन बोन एज इन वोवन बोन ओरिजिनेट ऑर्गेनाइज इन कैरेक्टरिस्टिक लेमेली फाउंड इन कॉम्पैक्ट एंड कॉन्ट्रेस बोन देन ओसिफाइड। दिस अकर व्हेन कार्टिलेज मॉडल आर रिप्लेस्ड बाय बोन एंड इन हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर। तो लेमर बोन में क्या है, द कोलेजन फाइबर आर डिपोजिट इन एज इन वोवन बोन ऑर्गेनाइज इन कैरेक्टरिस्टिक्स लेमल फाउंड इन कॉम्पैक्ट एंड कैनक्लेस बोन देन ओसिफाइड। दिस अकर व्हेन कार्टिलेज मॉडल आर रिप्लेस, कब होता है, जब कार्टिलेज मॉडल क्या रिप्लेस होता है किसके द्वारा, बाय बोन एंड इन हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर के हीलिंग में। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन का डेवलपमेंट कैसे होता है, इन लॉन्ग बोन दैट फोकल पॉइंट फ्रॉम विच ऑसिफिकेशन बीइंग आर स्मॉल एरियाज ऑफ ऑस्टियोजेनिक सेल आर सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन इन द कार्टिलेज मॉडल। इन लॉन्ग बोन दैट द फोकल पॉइंट फ्रॉम विच ऑसिफिकेशन बीइंग आर स्मॉल एरियाज ऑफ ऑस्टियोजेनिक सेल और सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन इन द कार्टिलेज मॉडल। दिस इज accompanied by डेवलपमेंट ऑफ ए बोन कॉलर एट अबाउट 8 week ऑफ gestation, जो आपकी gestational एज जो है उसका 8 week होता है, उस टाइम पे होता है। लेटर द ब्लड सप्लाई डेवलप एंड बोन टिश्यू रिप्लेस कार्टिलेज एंड ऑस्टियोक्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट सीक्रेट ऑस्टॉइड कॉम्पोनेंट इन द साफ्ट। द बोन लेंथेस एज ऑल्सिफिकेशन कंटिन्यूस एंड सेपरेट द एपिफाइसिस। अराउंड बर्थ सेकेंडरी सेंटर ऑफ द ऑस्टियोसिफिकेशन डेवलप इन एपिफाइसिस एंड द मेडुलर कैनाल फॉर्म विच ऑस्टियोक्लास्ट ब्रेक डाउन द सेंटर बोन टिश्यू इन द मिडिल ऑफ द शाफ्ट। आफ्टर बर्थ द बोन ग्रोथ इन लेंथ बाय ऑसिफिकेशन ऑफ द डाइफाइसिस सरफेस ऑफ द एपिफाइसिस कार्टिलेज एंड ग्रोथ इज कंपेंड व्हेन द कार्टिलेज बोन बिकम कंप्लीटली ऑसिफाइड। क्या होता है, बर्थ के बाद द बोन ग्रोथ इज लेंथ बाय द ऑसिफिकेशन, कब होती है, ऑसिफिकेशन में, ऑफ द डाइफाइसिस सरफेस ऑफ द एपिफिशियल कार्टिलेज एंड ग्रोथ इज कम्प्लीट। ग्रोथ कब कम्प्लीट होती है, वेन द कार्टिलेज बिकम कम्प्लीटली ओसिफाइड, जब कार्टिलेज जो है वो क्या है कम्प्लीटली ओसिफाइड हो जाते हैं तब क्या इनकी कम्प्लीट ग्रोथ होती है।
नेक्स्ट क्या है? हार्मोन रेगुलेशन ऑफ बोन ग्रोथ। ये आज का क्या है अपना टॉपिक है, हार्मोन रेगुलेशन ऑफ बोन ग्रोथ। हार्मोन रेगुलेशन में क्या है, हार्मोन्स दैट रेगुलेटेड द ग्रोथ एंड कंसिस्टेंसी ऑफ साइज एंड शेप ऑफ बोन इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। बोन के जो ग्रोथ है ठीक है, उसके साइज और शेप के अंदर जो हेल्पफुल जो हैं हॉर्मोन्स वो कौन से हैं, ग्रोथ हार्मोन एंड द थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन एंड ट्राईआयोडोथायरिन आर स्पेशली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एफिशिएंसी ऑफ चाइल्ड हुड डेफिशिएंट और एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ दिस रिजल्ट इन अबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द स्केलेटल। जो ग्रोथ हार्मोन है और जो थायराइड हार्मोन है ठीक है, थायरोक्सिन और ट्राईथायरोक्सिन, वो क्या है स्पेशली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं चाइल्ड हुड में, कब, जब बोन की ग्रोथ होती है। अगर ये कम ज़्यादा हो जाते हैं ठीक है, अब नॉर्मल अगर इनका सिक्रेशन होता है, एक्सेसिव होता है या लेस होता है, उस दौरान क्या है जो अपना स्ट्रक्चर जो है स्केलेटल का वो क्या है, अब नॉर्मल डेवलपमेंट होता है उस दौरान अपने स्केलेटल का, बोन का। टेस्टोस्टेरोन एंड ऑस्ट्रोजन इन्फ्लुएंस द फिजिकल चेंजेस दैट अकर एट प्यूबर्टी। टेस्टोस्टेरोन जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो क्या है, इन्फ्लुएंस करते हैं किसमें, अपने फिजिकल चेंजेस में जब प्यूबर्टी के टाइम पे, लाइक द ग्रोथ सपोर्ट द मेंस्ट्रुएशन एंड और फेमिनिन चेंजेस ऑफ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द स्केलेटन, एग्जांपल पेल्विस। जो टेस्टोस्टेरोन जो एस्ट्रोजन है ये क्या है, हॉर्मोन की वजह से जो अपने प्यूबर्टी के दौरान अगर ये कम ज़्यादा डेवलप, कम ज़्यादा सीक्रेट होते हैं तो उस दौरान क्या है अपनी उन चीज़ों में क्या है इफेक्ट डालते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, जो पेल्विस का जब डेवलपमेंट होता है तो क्या है, पेल्विस ब्रॉड होता है, अगर हॉर्मोन अगर प्रॉपर वे में सीक्रेट नहीं होगा तो क्या होगा, पेल्विस का शेप है वो चेंज हो जाता है। जो थायराइड और पैराथायराइड हार्मोन है वो क्या करते हैं, थायराइड एंड पैराथायराइड हार्मोन फ्रॉम द पैराथायराइड ग्लैंड आर इन्वॉल्व इन होम्योस्टेसिस ऑफ ब्लड एंड बोन कैल्शियम लेवल रिक्वायर्ड फॉर बोन डेवलपमेंट। बोन के डेवलपमेंट के लिए क्या है, कैल्शियम लेवल का प्रॉपर वे में होना जरूरी है, तो थायराइड और जो पैराथायराइड ग्लैंड जो है हॉर्मोन सीक्रेट होते हैं ठीक है, वो क्या करती हैं होम्योस्टेसिस की प्रोसेस के अंदर क्या हेल्पफुल रहती हैं, तो होम्योस्टेसिस ऑफ द ब्लड एंड बोन कैल्शियम लेवल रिक्वायर फॉर बोन डेवलपमेंट। होम्योस्टेसिस किस चीज़ के लिए रिक्वायर है, कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए क्या है ये रिक्वायर होता है, और इसमें क्या होता है अपने बोन का डेवलपमेंट होता है। ऑल द लेंथ ऑफ शेप ऑफ बोन डज नॉट नॉर्मली चेंजेस आफ्टर ऑसिफिकेशन इज कंप्लीट, बोन टिश्यू इज कंटिन्यूअली बींग रिमॉडल एंड रिप्लेस देन वेन डैमेज। ऑस्टियोब्लास्ट कंटेन टू ले डाउन ऑस्टियोइड एंड ऑस्टियोक्लास्ट रीअब्सॉर्ब इट। द रेट इन डिफरेंट बोन वेरियस, एग्जाम्पल द डिस्टल पार्ट ऑफ द फीमर इज रिप्लेस ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ 5 to 6 months। थायराइड एंड पैराथायराइड हॉर्मोन फ्रॉम द पैराथायराइड ग्लैंड आर इन्वॉल्व इन होम्योस्टेसिस। ये क्या करते हैं, होम्योस्टेसिस में हेल्पफुल होते हैं, ऑफ ब्लड एंड बोन कैल्शियम लेवल रिक्वायर्ड फॉर बोन डेवलपमेंट। ऑल द लेंथ एंड शेप ऑफ बोन डज नॉट नॉर्मली चेंजेस आफ्टर ऑसिफिकेशन इज कंप्लीट, बोन टिश्यू इज कंटिन्यूअली बींग रिमॉडल एंड रिप्लेस वेन डैमेज। ऑस्टियोब्लास्ट कंटिन्यू टू ले डाउन ऑस्टियोइड एंड ऑस्टियोक्लास्ट रीअब्सॉर्ब इट। द रेट इन डिफरेंट बोन वेरियस, एग्जाम्पल द डिस्टल पार्ट ऑफ द फीमर इज रिप्लेस ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ 5 to 6 months।
नेक्स्ट क्या है, फंक्शन ऑफ द बोन, बोन के फंक्शन क्या क्या है, बोन है वे वेराइटी ऑफ फंक्शन, बोन के अंदर क्या है, बहुत सारे वेराइटी के क्या है, बोन के की बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो क्या क्या है, प्रोवाइड द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, जो अपनी बॉडी है उसको क्या है फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाते हैं, गिव अटैचमेंट टू मसल्स एंड टेंडन, मसल्स और टेंडन है उनको क्या है अटैचमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, प्रिमिट मूवमेंट ऑफ बॉडी एज ए होल एंड पार्ट ऑफ बॉडी बाई फॉर्मिंग ज्वाइंट दैट आर मूव बाई मसल्स, क्या मूवमेंट्स प्रोवाइड कराते हैं, फ्रॉम द बाउंड्रीज ऑफ द क्रेनियल थोरेसिक एंड पेल्विक कैविटीज प्रोटेक्टिंग द ऑर्गन रेड कंटेन रेड बोन मैरो इज विच ब्लड सेल डेवलप हेमेटोपोइसिस प्रोवाइड ए रिजर्व ऑफ मिनरल स्पेशली कैल्शियम फॉस्फेट, फंक्शन क्या क्या है बोन के, बोन के फंक्शन क्या क्या है, प्रोवाइड द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, बॉडी को क्या है फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराते हैं, अटैचमेंट प्रोवाइड कराते हैं किसको, मसल्स और टेंडन को, परमिट द मूवमेंट, मूवमेंट के लिए क्या है परमिट करते हैं मूवमेंट ऑफ द बॉडी एज होल एंड पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के जितने पार्ट है उनको परमिट कराते हैं बाई फॉर्मिंग ज्वाइंट दे आर मूव बाई मसल्स, फ्रॉम द बाउंड्रीज ऑफ द क्रेनियल थोरेसिक एंड पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी प्रोटेक्टिंग द ऑर्गन ऑर्गन्स, ऑर्गन्स को क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं, कंटेंट रेड बोन मैरो इन विच ब्लड सेल डेवलप हेमेटोपोइसिस प्रोवाइड ए रिजर्व ऑफ मिनरल्स स्पेशली कैल्शियम एंड फॉस्फेट, नेक्स्ट अपना बोन मार्किंग, मोस्ट बोन हैव रफ सरफेस राइज प्यूरोट्यूबरेंस एंड राइज विद गिव अटैचमेंट टू मसल टेंडन एंड लिगामेंट, दीज आर नॉट इंक्लूड इन द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल बोन अनलेस दे आर द पर्टिकुलर नोट बट मे मार्क और इलस्ट्रेशन, नेक्स्ट है द बोन ऑफ द स्केलेटल आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, जो स्केलेटल जो है वो क्या है दो भागों के अंदर डिवाइडेड किया गया है अपना, कौन कौन सा है, फर्स्ट आपका क्या है एक्सियल स्केलेटल है, सेकंड आपका क्या है अपेंडिकुलर है, तो जो अपना स्केलेटल सिस्टम है उसको कितने भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, दो भागों के अंदर क्या है उसको डिवाइड किया गया है, कौन से है एक्सियल स्केलेटल है और आपका अपेंडिकुलर स्केलेटल है, स्केलेटल सिस्टम को दो भागों में डिवाइड कर रखा है, फर्स्ट आपका एक्सियल स्केलेटन है, सेकंड आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन है, ये क्या है आपका एंटीरियर व्यू है किसका स्केलेटल एक्सियल स्केलेटन का, जो गोल्ड पार्ट दिखाया गया है वो, जो रिमेनिंग जो ब्राउन जो पार्ट है वो क्या है आपका अपेंडिकुलर स्केलेटल है, तो ये जो आपका जो पार्ट है ये किस में आएगा आपका एक्सियल स्केलेटल में आएगा, और जो आपका जो रिमेनिंग जो ब्राउन कलर का जो पार्ट है ठीक है वो किस में आएगा आपका अपेंडिकुलर में, तो अपेंडिकुलर में क्या क्या चीजें आएंगी लेग आर्म पेल्विस ठीक है, ये किस में आएंगे, इसमें आएंगे आपके स्कल है थोरेसिक केज है वर्टिब्राज है, ये किस में आएंगे आपके एक्सियल स्केलेटल में आएंगे, इसके अंदर आपकी जो बोन्स हैं वो सारी सारी दिखाई गई हैं, क्रेनियम है क्लेविकल बोन है स्केपुला है स्टर्नम है रिब्स है ह्यूमरस है
रेडियस है, अल्ना है, पेल्विस है, कार्पस बोन है, मेटाकार्पल है, फ्लेंजिज है, फीमर है, पटेला है, टीबिया है, फिबुला है, ठीक है, फेलेंजिज हैं, ये सारी की सारी क्या है आपकी इस डायग्राम में शो की गई है। लेटरल व्यू की बात करें तो लेटरल व्यू में आपका क्रेनियम पार्ट दिखाया गया है, सर्वाइकल वर्टिब्रा जो आपकी हैं वो दिखाई गई है, स्केपुला दिखाया गया है, रिब्स दिखाई गई हैं, थोरेसिक वर्टिब्रा दिखाई गई है, लंबर वर्टिब्रा है, पेल्विस है, सेक्रम है, कोकिक्स है, फीमर है, टीबिया है, फिबुला है, पटेला है, टार्सल बोन है, बेटा टार्सल है, प्लेंजेज हैं और कैल्पनस दिखाई गई हैं। ये आपकी क्या है ए और बी दो डायग्राम है। ए के अंदर क्या है आपका एंटीरियर व्यू दिखाया गया है किसका, स्केलेटल सिस्टम का। उसके अंदर जो गोल्ड जो पार्ट है वो क्या है आपका अपेंडिकुलर है, और जो आपका ब्राउन कलर का पार्ट है वो क्या है आपका अपेंडिकुलर है, और एक्जियल क्या है आपका गोल्ड कलर का है। ये सेकंड जो इसके अंदर क्या है लेटरल व्यू दिखाया गया है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में अपन किस पे डिस्कस करेंगे, जो अपना एक्जियल स्केलेटन है उस पे अपन क्या है जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पे डिस्कस करेंगे। सभी स्टूडेंट्स नोट्स अपने प्रिपेयर कर लें, जब भी आपकी ऑफलाइन क्लासेज होंगी उस टाइम पे आपके नोट्स चेक किए जाएंगे। थैंक्स टू ऑल।